यानी कि पार्टी दोनों तरफ से जो बातों को सुनना चाहती तभी कुछ बोलना चाहती। क्या कहना है आरोप लगाने वाले पत्रकार का, वो सुनते पहले। ऐसा कुछ भी नहीं, वो सब जो भी कुछ हुआ होगा वो पर्सनल हुआ होगा, पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई पार्टी की ऐसी पॉलिसी है। पर्सनल मतलब पार्टी के? अब वो मीडिया के हमारे साथियों का उनके साथ कोई संबंध होगा वो होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी नॉलेज में था पहले? बिल्कुल कोई भी नॉलेज में नहीं था, कुछ भी नॉलेज में नहीं था। लेकिन हुआ तो गलत है ये? नहीं नहीं, अब ये किस तरह हुआ है ये तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई हम लोग सब चले गए, इसके बाद पर्सनल चाय पीते वक्त कुछ कोई बातचीत हुई होगी एक दूसरे से, आज मुझे नहीं मालूम। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी पार्टी जिन लोगों ने? बिल्कुल, इसकी हम जांच कराएंगे कौन दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पत्रकार नहीं थे, गणेश सिंह थे, सांसद, जिन्होंने यहां पर ये कहा कि ऐसा मेरी नॉलेज में कुछ है नहीं, यानी सीधे तौर पर वो तो बिल्कुल मुकर गए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ होगा ये जरूर कह दिया कि जांच कराएंगे। आप पत्रकार की बात सुनते हैं। आप लोगों को 500-500 के नोट दिए गए थे, किस लिए दिए गए थे? कि आडवाणी जी का कवरेज जो है वो अच्छे तरीके से हो, उसमें कहीं कोई विरोध की बातें ना आए, और हम लोगों ने इस बात पे आपत्ति दर्ज कराई कि ये क्या है, मतलब 500 रुपए आप दे रहे हैं तो उस पर कहीं कोई सफाई नहीं, कहीं कोई अफसोस नहीं, कहीं कोई आपत्ति नहीं, जो कुछ भी हो रहा है सारी चीजें मतलब इस तरीके से कि मतलब हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भ्रष्टाचार के तरीके से ही लड़ेंगे। लेकिन उसी टाइम पैसे वापस के कुछ पत्रकारों ने तो रखा? पत्रकारों ने पैसे, पत्रकारों को तो ये मालूम था कि इसमें समाचार है, वो तो बाद में जब भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के प्रभारी सूरनाथ सिंह हरवार थे, आप उनसे बात करिए। तो आप लोगों ने वापस नहीं किया? नहीं, वापस नहीं किया। अभी आडवाणी जी को हम लोग दिखाएंगे कि 500 रुपए और ये लिफाफे हैं, इसलिए अपन ने रखा है उसको। किन्होंने बांटा था ये पैसा? ये सूरनाथ माने यहाँ के मीडिया प्रभारी श्यामलाल जी थे और सूरनाथ सिंह जी के निर्देशन में ये सारी चीजें हुई, सांसद जी की मौजूदगी में हुई, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और भी बहुत सारे बड़े पदाधिकारी थे यहाँ पर, जो सारे लोग थे और ये सबकी सहमति से कोई चोरी से काम नहीं हुआ। कोई अगर ये कहे कि सफाई देना चाहे कि ये चोरी से हुआ तो चोरी वोरी से कुछ नहीं हुआ। मंत्री जी भी थे यहाँ पे, लोक निर्माण विभाग मंत्री वहां मौजूद थे, नागेंद्र सिंह जी। तभी इन पत्रकार का कहना है कि सीधे तौर पर पैसे दिए गए, सबके सामने दिए गए, अब क्यों मुकर रहे हैं। उस समय राज्य के लोक निर्माण मंत्री नागेंद्र सिंह और सतना से पार्टी के सांसद गणेश सिंह भी मौजूद थे। पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें लिफाफा पार्टी के मीडिया प्रभारी श्यामलाल के हाथों मिला। बताया जा रहा कि कई पत्रकारों ने उसी दौरान लिफाफा वापस लौटा दिया, जबकि कुछ पत्रकारों ने वो लिफाफा आज आडवाणी को दिखाया। उधर इस पूरे मामले में जब बीजेपी सांसद गणेश सिंह से पूछा गया तो वो पूरी तरह से मुकर गए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी जांच कराएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस खबर में सच्चाई है, यानी कि जो दावे किए गए पत्रकारों के द्वारा वो बिल्कुल अगर पुख्ता है, तो किस तरीके से फजीहत हो सकती है पार्टी के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आप रथ यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ एक अच्छी कवरेज के लिए 500 रुपए की रिश्वत दे रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के फजीहत जरूर इससे होने वाली है। आज यही सवाल पत्रकारों ने पूछ लिया जिस वक्त सत्ता उनकी यात्रा पहुंचने वाली लालकृष्ण आडवाणी से, तो वो भी जवाब देते ना बने। उनका यह कहना था कि मुझे तो इस बारे में मालूम ही नहीं, जांच करवाएंगे।